हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में एक कैशलेट डीआई डिस्कस करेंगे। कैशलेट डीआई आपके प्रॉफिट एंड डिस्काउंट बेस्ड डीआई है। तो आजकल जितनी भी एग्जाम्स हो रही हैं, उसमें आपने देखा है कि वो ब्लैक बैंकिंग सेक्टर की हो या इंश्योरेंस सेक्टर की, इवन क्लर्क लेवल पे प्री में भी एक आध कैशलेट डीआई आपको देखने को मिल जाए। मेंस एग्जाम में तो आप देखेंगे कि कैशलेट डीआई दो तीन चार चार तक भी पूछ लेते। सो कैशलेट डीआई एक इम्पोर्टेंट आपका पार्ट हो गया क्वांट ब्लैक क्लर्क की एग्जाम है, और वो चाहे आपका पीओ लेवल का है या आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो असिस्टेंट का है या एओडब्ल्यू का। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शंस में देखिए कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ए शॉपकीपर सोल्ड फोर प्रोडक्ट्स ए बी सी डी। कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज ₹4,000 विच इज मार्कअप बाई 25%। द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज ₹250 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के आपने देखा कि इसमें प्रोडक्ट है चार ए बी सी डी, और उसमें ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये तो गिवन एबीसी प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट ऑफर्ड बाय शॉपकीपर। ए में 20% का डिस्काउंट है, बी में 12 का है और सी में 30% है। और परसेंटेज प्रॉफिट भी ए सी डी का देख, ये देखिए आपको एबीसी का दिया है और ये ए सी डी का, इसमें डी गायब है और इसमें बी गायब। और इसके साथ ही फिर आपका दूसरी इंफॉर्मेशन आपको एक स्लेट की फॉर्म में दे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी लॉस एंड प्रॉफिट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कितनी चीजें हैं। जैसे मैं इसी को जो बैलेंस चीजें हैं उनको टेबलर फॉर्म में अगर अरेंज करूं तो ये आपकी आ गई ए, शॉपकीपर आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। सबसे पहले क्या होगी, कोई भी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस के बाद आप मार्क प्राइस, उस पे जो भी मार्क प्राइस अंकित करेंगे कुछ भी उस पे वैल्यू लिखेंगे, एंड कुछ मतलब सीपी को कुछ अप करके इसको कॉस्ट प्राइस को और मार्क प्राइस अंकित करेंगे, और मार्क प्राइस के बाद सर्टेन डिस्काउंट देके एक क्या आ जाएगी आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। राइट, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट मैंने इसलिए नहीं लिखा, डिस्काउंट ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस भी इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट भी यहाँ आपका लिया, तो आप और ज्यादा बड़ा इसको नहीं बना के सिर्फ इसमें सीपी एमपी और एसपी और जोड़ दें तो आई थिंक जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसको आप तुरंत कर पाएंगे। अब आप देखिए क्या दिया है इसमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी इज ₹4,000, बी की कॉस्ट प्राइस आपको दे दी 4,000, यह नोट कर लीजिए। विच इज मार्कअप बाई 25% और उसको 25% से अप करके उसको मार्क कर दिया, मार्कअप बाई 25%। तो इसको 4,000 को 25% और बढ़ाओगे तो 4,000 का 1/4 हजार, 4,000 में जोड़ोगे तो ये आ गई 5,000, 5,000 उसको मार्कअप। अब बी का देखो आप पे डिस्काउंट कितना है, बी में, बी में डिस्काउंट आपका 12% है, तो 12,000 5,000 में अगर 12% दोगे तो 12×5=60, ₹600 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बेचे कितने की 4,400। बी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब चलिए आगे, मार्क प्राइस ऑफ प्राइस प्रोडक्ट ए इज 250 लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो बी की आपको 5,000 पता है, इससे 250 लेस है वो ए की है, तो ये कितनी आ गई 4,750। अब मार्क प्राइस आपकी 4,750 है और उसमें डिस्काउंट ए में 20%, 20% मतलब 1/5 है, 1/5 का मतलब 4,000 का 1/5 हो गया आपका 800, और इसका कितना हो गया मतलब एक तरह से आपको इसका 80% किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, 4,750 है इसका, या तो आप 80% निकाल लो तो 80% क्या हो जाएगा 4/5, और या इसमें 1/5 इसमें से घटा दीजिए
कुल मिला के चीज वही आएगी। तो 5 को अगर मैं इससे काटूं तो 4000 को मैं 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 800, और 750 का 150, एक तो 950। आप इसको कैंसिल आउट भी करेंगे तो वही आएगा 5, 9, 45 और 5, 25। क्योंकि ये इसको जब भी आप कैंसिल आउट करें तो आपके दिमाग में ये दो चीज आ सकती है कि या तो 5000 माइनस 250, इसको 5 से, इसको 5 से, आपको पता है जब इसको मैं 5 से करूंगा तो 1000 आएगा, 1000 में से कितना कम कर लूं 50, तो 950, या इसको 4000 आप क्या कर लोगे, 4000 प्लस 750 बटा 50 बटा 50। ये आप ओरल करने की प्रैक्टिस करें। तो 50 को 4000 से करोगे आपको पता 800 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 150, 800, 150, 950। तो दोनों केसेज में वही 950। इसको 4 से गुणा करने के लिए क्या करें, 950 को डबल करें 1900, और 1900 को डबल करें तो 3800। तो ये 3800, ये क्या आ गया 3800, ये आपकी सेल प्राइस आ गई। आपने क्या किया, मार्क प्राइस में से और ये डिस्काउंट ए का निकाल दिया, राइट। अब ए का अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% है। तो ये कितना आ जाएगा 3A, एक तरह से क्या हुआ कि 125% की वैल्यू आपको दे दी 3800, और 100 की आपसे निकाल ली तो 1.25। अगर इसको मैं गुणा 100, 38 दूनी 76, 38 दूनी 76, 76 दूना 152, 152, और ये क्या हो गया 25 पंजो 125, और ये हो गया 20, 1520 का 3040। तो ये 3040 आपका ये गया, राइट। अब आप आगे चले, दी एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट इज रुपी 317.5, 31, 37.5। तो टोटल इसका एक तरह से कॉस्ट प्राइस का सीपी का टोटल दे दिया आपने, इसको 4 टाइम्स कर लो। तो इसको 4 टाइम्स करने के लिए मैं क्या करूं, 3000 को 4 बार करूंगा तो कितना आ जाएगा 12000, और 100 को करूंगा तो 400, और 37.5 को तो 75, 75, 150, और तो ये आ गया 12550। तो इसका टोटल 12550। देखते हैं इसका क्या यूज होता है। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1020 ऑन सेलिंग प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट डी। अब डी का प्रॉफिट दे दिया 1020, प्रॉफिट सबका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इज 950 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी, सी की जो मार्क प्राइस है उससे डी की ज्यादा है। तो डी की कितनी है, मार्क प्राइस ऑफ सी प्लस इसमें जोड़ दो 950। तो अब आप इसमें देखिए, डी में जो प्रॉफिट है वो है 1020 का, और ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 100/3, एक तरह से 1/3। 1/3 किसका, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी का होगा, एक तरह से सीपी का जो 1/3 है वो 1020 है। तो पूरा सीपी कितना हो जाएगा 3 गुणा 1020, तो ये कितना आ जाएगा 306। अब सीपी, टोटल सीपी आपके पास है, 3 की सीपी आपके पास आ गई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी, आप देखिए 4000, 3000, 7000, 3000, 10000, 10000 और 40 और 60, 100, 10100। तो एक तरह से मैं इसमें से 10100 अगर निकाल दूं तो ये सी की आ जाएगी 12550 में से, तो कितना निकल गया 2450, 550 में से हो गया 450, 12000 में 2400, 2450, ये आ गई इसकी सीपी। अब सॉरी, अब सी का जो प्रॉफिट दिया है 10%, तो इस पे 10% आप और जोड़ोगे तो 245 और जोड़ दोगे तो कितना जाएगा 2450, 2450 में अगर 2245 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 2695, और ये क्या आ गया 2695 आपकी सेल प्राइस आ गई। अब आप इसमें देखोगे कि सेल प्राइस 2695 है, और ये सी के केस में डिस्काउंट कितना है 30%, तो एक तरह से ये मार्क प्राइस की 70% है। तो अगर मैं इसको 2695 को 0.7 से डिवाइड कर दूं तो ये मार्क प्राइस आ गई। तो
अगर इसको आप करेंगे तो 7 3 21 और 59 है, 7 2 8 2 56, 3850, तो 3850 ये आ गई आपकी मार्क प्राइस ऑफ सी। अब जब ये 3850 है तो डी 950 इसमें से और तोड़ दो, तो 3800 9 4700 1 4800, तो इसकी जगह कितना आ गया 4800। जब ये 4800 हो गया और डी में आपको पता है कि डी का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है क्या डी का? डी का डिस्काउंट तो नहीं दिया, लेकिन क्या चीज दे दी मार्क आपको, सेल प्राइस दे दी? नहीं, सेल प्राइस नहीं दी है आपको। डी का क्या दिया है, प्रॉफिट दे दिया। हाँ, 3060 रेसिपी है, 1020 आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो सेल प्राइस कितनी आ गई 3000 और एक 4000, 4080, तो ये आ गया 408, राइट। तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चंस पे। अब देखिए, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय शॉपकीपर ऑन प्रोडक्ट डी। डी पे डिस्काउंट कितना है, तो डी की सेल प्राइस कितनी है 4080 और मार्क प्राइस 4800 और गुणा 100। भले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें या डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कि ये सेल प्राइस कितना परसेंट है मार्क प्राइस का। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये दो सिफर आपकी कट गई, और 6 से मैं अगर काटूं इसको तो 8 से कट जाएगा क्या? 8 से कट जाएगा, 8 6 48 और ये 8 5 40 और 51, 51 को 510, तो ये आ गया 6 8 48 85%। तो ये इसका सेल प्राइस 85% है, तो डिस्काउंट कितना हो गया मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस 15%, या इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और उसको बटा 4800 कर दोगे तो भी वही चीज आएगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग ऑल द फोर प्रोडक्ट्स। तो सभी प्रोडक्ट्स के लिए क्या करेंगे आप, ये तो आपको 12550 था ही, सेल प्राइस और टोटल कर लीजिए, 4 3 7 2 9 4 13000, तो आपका एक आ गया, 800 4 1200 6 1800, 1800 एक आ गया, और क्या बच गया 9 8 17, 175 और आ गया, इसमें 12550 आप माइनस कर दे तो 13 1 14000, 14975, और इसमें से 12550 आप माइनस कर दे तो ये 5 7 में से 5 गया 2, लास्ट में 25 देख लो, 2425 इज द राइट। नेक्स्ट देखिए, हेड ही सोल्ड द प्रोडक्ट सी एट लॉस ऑफ 10%। अगर सी को वो 10% के लॉस में बेचता, देन व्हाट वुड बी इस ही वुड हैव सोल्ड द प्रोडक्ट, तो उसकी सेल प्राइस क्या होती। तो 2450 को अगर 10% लॉस पे बेचता तो इसकी माइनस 10% इसमें से कर दो, 245, 2050 उसकी सेल प्राइस आ जाती, तो 2050 इसमें कहीं है क्या, 2050 क्या, सॉरी 2250, तो 2250 आपकी 2250 क्या 2205, ऐसे गलतियां होती हैं, 2205 भाई, 50 में या 45 लास्ट में 05 है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ई इज 100/11% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। ई की सेलिंग प्राइस कितनी है बी से 100/11%, बी की सेलिंग प्राइस कितनी है 4400, और 100/11 का मतलब इसका 111 और जोड़ दो, 400 और जोड़ दो 4800। इफ इट इज सोल्ड आफ्टर ऑफरिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट और 20 and 25%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ही सोल्ड आफ्टर ऑफरिंग, तो कितने हो गए 20% और 25% के सक्सेसिव, 20+25 प्लस 20+25 माइनस 20 × 25/100, तो 25 में 40% का डिस्काउंट है, तो एक तरह से 0.6 से आप इसको करोगे, ये 60% की वैल्यू 4800 आएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000, तो 8000 इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डी। सी इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो 4080 में से ये आप 2695 आई थिंक निकालोगे, तो ये आ गया 1385। तो आपने देखा कि एक बार इसको सॉल्व कर लोगे आप, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस डे।